सरकारी स्कूलों के लगातार खराब हालत को ना तो शासन ना ही प्रशासन संज्ञान में लेता है, लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है तो प्रशासन जांच के आदेश देता है। कुछ ऐसा ही हुआ फरुखाबाद के कायमगंज के प्राथमिक विद्यालय में, जहां पिछले दिनों स्कूल का छज्जा गिरने से एक छात्र की मौत हो गई थी। अब जिलाधिकारी ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। इसमें कई भवन ऐसे संज्ञान में आए थे जो सही स्थिति में नहीं थे, तो इसमें शिक्षा विभाग और PWD विभाग की जो है एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है और इसमें ऐसे सभी भवनों को शामिल किया गया है जिसमें 2000 के बाद में जो निर्माण कार्य हुआ है, तो वो जो कमेटी है वो दोनों चीज़ों को देखेगी कि कहीं बिना गुणवत्ता का कोई भवन बनाया गया, उसे हैंडओवर कर दिया गया और जो आप वो जर्जर स्थिति में है, तो ऐसे जो भी निर्माण प्रभारी रहेंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी कि अगर गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है। और साथ ही कुछ भवन ऐसे थे जो कि निष्प्रयोजक घोषित नहीं हुए थे, जिनकी नीलामी नहीं हुई थी, तो इसको भी एक मिशन मोड पे इस कार्यक्रम को लेकर इसी माह में इस कार्यक्रम को हम सम्पन्न कराएंगे और जितने भी जर्जर भवन है उनको ध्वस्त करवाएंगे। घटना के बाद जागे प्रशासन ने सन 2000 के बाद बने स्कूलों का निरीक्षण का आदेश देते हुए BSA के जर्जर स्कूलों की लिस्ट मांगी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन प्रशासन किसी हादसे के बाद ही क्यों जागता है? क्यों नहीं समय रहते जांच कराकर ऐसे स्कूलों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखता है? फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।